गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड यूनिट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्टली वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, सेम टाइप ऑफ चैप्टर यू हैव स्टडीड इन क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आप सेम चैप्टर जो है, फिफ्थ चैप्टर जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, इट इज मच सिमिलर टू दैट चैप्टर, बट इन दिस यूनिट वी विल स्टडी दैट चैप्टर इन एक्सटेंडेड फॉर्म। क्लास टेंथ में आपने जो पढ़ा है वो लोअर लेवल का था, उससे थोड़ा हायर लेवल पे एक्सटेंडेड फॉर्म में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। मोस्टली जो है ये यूनिट उसी से रिलेटेड है। अगर आपको पहले वो अच्छे से समझ में आता है तो आप जो आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स नाउ। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। बात करते हैं एलिमेंट्स जो स्टिल हमारी जो पीरियडिक टेबल है, इन दैट 114 एलिमेंट्स वर गिवन, बट इन एक्चुअल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड राइट नाउ। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड लेटर, एंड दीज एलिमेंट्स आर सिंथेटिक और मैन मेड। कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ सम एलिमेंट्स आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टी अभी भी अनडिस्कवर्ड है, प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उनके ऊपर काम चल रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो जितना भी एलिमेंट हमारे पास है उनकी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे हमने बोला है कि 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और उनका एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट जो है उसको याद रखना, और कौन सा किस टाइप की केमिकल रिएक्शन करता है, ये सारे टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। सो टू मेक द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड टू मेक देम लर्न इजीली, वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम शॉप में जाते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, एक तो होता है शॉप स्टार्टिंग में, जब शॉप कोई नई शॉप लगती है तो मान लो कोई शॉपकीपर है, वो नई शॉप लगा रहे हैं, और उसने, आपने देखा कि शॉप में क्या होता है, शॉप में डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बने होते हैं पार्टिकुलर जो है प्रोडक्ट्स के। जैसे मान लो आप एक वेल मैनर्ड शॉप में जाते हैं जो अरेंज हो चुकी है, और एक स्टार्टिंग की है, दोनों में डिफरेंस आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेल मैनर्ड शॉप में जाते हैं, वहां पर आप जाकर देखेंगे डिफरेंट बॉक्सेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको सोप लेना है तो एक अलग बॉक्स में सोप्स होगी, उसमें भी आपको बाथिंग सोप्स लेनी है या क्लोथ वॉशिंग के लिए सोप्स लेनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स के अंदर जो है डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो मान लो आपने बाथिंग सोप्स को, आपने डिमांड की बाथिंग सोप्स की, तो शॉपकीपर को पता है उस बॉक्स में जो है बाथिंग सोप्स से वहां से उठा के दे देता है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट जो आप डिमांड करते हो वो तुरंत जो है विद इन वन मिनट या विद इन लेस देन वन मिनट वो जो है आपको सामान को दे देता है। बट सेम चीज आप इमेजिन करो, अगर आप किसी दूसरे जो नई शॉप अभी मैनेज कर रहे हैं, यानी कि उसके पास ऐसे बॉक्स नहीं है, फिटिंग नहीं है शॉप की, और वहां पर उसने सामान इकट्ठा करके ला रखा है और ढेर के अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो आप उससे सामान मांगते हो, सामान मांगने में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मांगते हो, तो एक सामान ढूंढने में सारा सामान जो उसको वो खोल के देखना होगा या सारे सामान को हटा करके देखना होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम वेल मैनर्ड शॉप के अंदर एलिमेंट्स को, प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो उनकी, उनका यूज, उनकी प्रॉपर्टीज का पता आसानी से लग जाता है, ऐसे ही एलिमेंट्स जो है उनको एक वेल मैनर्ड वे में अरेंज करें ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स एक पार्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में आ जाएं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स डिफरेंट रोज में आ जाएं, तो दैट इज द इजी मेथड फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इफ यू वांट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेम वर्टिकल कॉलम।
अगर रेंडमली एलिमेंट हो तो वहां पर उनकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसीलिए टू मेक द स्टडी इजी एंड सिस्टमेटिक वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। सो इसीलिए हमें क्या एक टेबल की जरूरत पड़े, टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, एलिमेंट को अरेंज किया है। पीरियडिक टेबल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासीफाइज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि वो टेबल, पीरियडिक टेबल क्या है, इज दैट टेबल विच क्लासीफाइज ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स नोन है उनको क्लासीफाई करती है इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डिंग, विद देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से, इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टूगेदर इन सेम वर्टिकल कॉलम। यानी कि सेम सिमिलर प्रॉपर्टी, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट है वो एक वर्टिकल कॉलम में आ जाएं, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट जो है वो डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर इन डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स। सो दिस इज द पीरियडिक टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सभी जो साइंटिस्ट उस टाइम के जो थे उन्होंने अपने अपने जो है डिफरेंट अटेम्प्ट किए, प्रयास किए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके से, किस जो साइंटिस्ट ने अपने तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया, किस बेस पे किया, तो ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इज डोबेराइनर स्ट्राइड्स, ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डोबेराइनर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। डोबेराइनर स्ट्राइड, ट्राइड इज द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। डोबेराइनर क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स, उसने एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया, और किन की, थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप में, किसमें, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्राइड्स। यानी कि उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर तीन तीन एलिमेंट्स के सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर एलिमेंट जो है तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया ट्रायड्स। और ट्रायड के अंदर कैसे अरेंज किया गया, इन ट्रायड्स एलिमेंट्स वर अरेंज इन सच ए वे दैट, ट्रायड के अंदर तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में एलिमेंट इस तरीके से अरेंज थे कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वाज रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल और सेकेंड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल टूडे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइड्स, डोबेराइनर ट्राइड्स। फर्स्ट जो है एग्जाम्पल, यहाँ नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइड्स, डोबेराइनर ट्राइड्स, मैं सिंपली ट्राइड्स लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम। सेकेंड एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड वन इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फोर्थ इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, S-T-R-O-N-T-I-U-M, स्ट्रॉन्शियम, और थर्ड वन इज बेरियम। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डोबेराइनर ट्रायड्स। और जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है डोबेराइनर ट्रायड की क्लासिफिकेशन में, तो हम जो है उसको एक्सप्लेन करके जो है देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो है एलिमेंट्स को ट्रायड के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विद द एग्जाम्पल, फर्स्ट लिथियम ट्राइड, लिथियम इट्स सिंबल इज एल आई, सोडियम एन ए, एंड पोटासियम इट्स सिंबल इज के। दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड्स। वी नो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम इज एग्जैक्ट, जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज 6.9, बट हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, 6.9 होता है एग्जैक्ट, बट वी यूजली टेक इट एज 7 टू मेक द कैलकुलेशन इजियर।
सोडियम जो होता है 23 होता है और पोटासियम में 39 होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है, बट 39.1 है शायद, तो एग्जैक्ट जो है हम 39 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड और मिडल एंड दिस इज थर्ड एलिमेंट। तो डोबेनायर ट्राइड में हमने क्या बोला है कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वाज रफली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 7 + 39/2। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सम क्या है, 7 + 39 = 46 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स क्या 1 और 1 2, तो यहां से क्या आएगा 46 / 2 इट कम्स आउट टू बी 23 एंड विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस केस यू कैन सी दिस एवरेज एटॉमिक मास इज कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली सिमिलर टू द एग्जैक्टली सेम टू द मिडल एलिमेंट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल अदर केसेज दिस विल बी एग्जैक्टली सेम, इट विल बी नियर अबाउट। तो आप जो है नेक्स्ट केस से भी, नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी उसका हम डिस्कस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। तो वहां से भी आप देख सकते हैं सेकेंड ट्राइड का एग्जाम्पल हम लेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सिंबल इज Cl, ब्रोमीन सिंबल इज Br एंड आयोडीन सिंबल इज I। सो डियर स्टूडेंट्स क्लोरीन का जो मास होता है, एवरेज वेट होता है, दैट इज 35, जो एटॉमिक वेट होता है 35.5। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि why some elements have atomic mass और atomic weight in fraction, fraction में क्यों होता है। क्लोरीन के केस में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्लोरीन एलिमेंट जो है इट इज प्रेजेंट इन नेचर इन टू फॉर्म्स, टू आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो क्लोरीन 35 जो है उसकी जो परसेंटेज होती है 75% होती है और क्लोरीन 37 की परसेंटेज 25% होती है। तो दोनों का एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शन में आती है। नेक्स्ट है ब्रोमीन, ब्रोमीन में क्या होता है 80 होता है। उसके बाद आयोडीन, एग्जैक्ट जो एटॉमिक मास होता है 126.9, उसको हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्या लिख लेते हैं 127 लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl एंड I दैट इज इक्वल टू 35.5 + 127/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.57512 3 × 516 162.5/2 ये हो जाएगा आपका 81.25। सो दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन एंड यू कैन सी दिस इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर डिफरेंस है, बट जो डेफिनेशन में हमने बोला है नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, तो यहां पर इसके आसपास में है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना जो है डिफरेंस लेना, जब डिफरेंस आपका 1, 2, 2.5 तक का डिफरेंस हो तो वहां पर आप डोबेनायर ट्राइड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जो है ज्यादा डिफरेंस आता है 4, 5 उस केस में जो है आपका जो ट्राइड है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड ट्राइड्स क्लासिफिकेशन, डोबेनायर क्लासिफिकेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप इज सेकेंड क्लासिफिकेशन हेलिक्स और स्क्रू, हेलिक्स और स्क्रू। हेलिक्स जो होता है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेलिक्स एक्चुअल में जो है इस तरीके से होता है, दिस इज हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय AEVD चैन कोर्टोइस एंड ही टुक ए वर्टिकल सिलेंडर
and drew 16 equidistant lines because atomic weight of oxygen was 16. देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लो कि सिलेंडर है, इसके ऊपर वर्टिकल सिलेंडर लिया, इसके ऊपर इक्वल जो है 16 लाइन इक्विडिस्टेंट, उनके बीच में बराबर डिस्टेंस है, 16 लाइन ड्रॉ की। अब आप कहेंगे 16 लाइन क्यों ड्रॉ की, बिकॉज एटॉमिक ऑक्सीजन वाज एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन वाज 16। अब आप ये कहेंगे कि एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 है, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन ही क्यों लिया, बिकॉज ऑक्सीजन इज दैट एलिमेंट विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। तो ज्यादातर जो एलिमेंट है उन सभी में ऑक्सीजन जो है पाया जाता है कंपाउंड्स में, और सबसे ज्यादा जो अबंडेंस है नेचर में भी पाया जाता है, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन जो है ये बहुत सारे जो कंपाउंड आसानी से मोस्टली एलिमेंट्स के साथ ही कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन को लिया गया है। सो इक्विडिस्टेंट 16 लाइन्स ड्रॉ की सिलेंडर के ऊपर ऑन इट्स सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ही ड्रू ए हेलिक्स, इस तरीके से हेलिक्स ड्रॉ किया इस एंगल पे 45 डिग्री एंगल विद द एक्सिस, जो ये एक्सिस होता है बीच में सेंटर में से एक्सिस है वर्टिकल, उसके साथ 45 डिग्री एंगल जो है लाइंस ने ड्रॉ किया, एंड अरेंज देन नॉन एलिमेंट्स। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स अरेंज थे उनको अरेंज करना शुरू किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स ऑन द हेलिक्स। जैसे मान लो ऊपर तो है लाइटर एलिमेंट ऊपर लिया, एटॉमिक वेट बढ़ता रहा हेलिक्स के अंदर, इस तरीके से एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। He observed that, उसने क्या ऑब्जर्व किया, एलिमेंट्स हुज एटॉमिक वेट्स डिफर्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 16, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट एक दूसरे से 16 से डिफर करते, 16 का डिफरेंस था, या 16 के मल्टीपल में 32, 48 का डिफरेंस था, तो दैट एलिमेंट वर फेल अलोंग द सेम परपेंडिकुलर लाइन। जैसे मान लो ये एलिमेंट 16 एटॉमिक वेट का है, इसे नेक्स्ट 16 में 32, नेक्स्ट 48, इस तरीके से जो 16 के मल्टीपल वाले थे वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के नीचे आते रहे, एंड शोड नियरली द सेम प्रॉपर्टीज, और उन एलिमेंट्स ने सिमिलर प्रॉपर्टीज शो की, और जो डिफरेंट से साइड में वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थे। तो दिस वाज सेकंड क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वी हैव डिस्कशन क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एंड एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल स्केल के ऊपर जो नोट होती है सा रे गा मा पा धा नी, दोबारा फिर सा आ जाता है, तो उस म्यूजिकल नोट के बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। जैसे म्यूजिकल नोट में एट्थ म्यूजिकल नोट जो है रिपीट हो जाती है, जैसे लिख के दिखाएंगे इसको, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो इसमें आप देखेंगे नी के बाद दोबारा सा आ जाता है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दोबारा से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। तो इस तरीके से एलिमेंट डिस्कवर किए गए एंड एलिमेंट्स क्लासिफाई किए गए। एंड वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, एंड एट दैट टाइम, और उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, नोबल गैसेज डिस्कवर्ड नहीं थी, इसलिए नोबल गैसेज को छोड़ करके एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसमें देखो किस तरीके से एलिमेंट जो है क्लासिफाई किए गए हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को ले लेंगे, हाइड्रोजन क्योंकि ये जो देखो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट वन लाइक एट्थ नोट ऑफ ए म्यूजिकल स्केल, जैसे कि म्यूजिकल स्केल के एट्थ नोट में सेम हो जाती है, ऐसे ही एलिमेंट जो है, जो एट्थ एलिमेंट है नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, लिथियम है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं था, उसके बाद सोडियम,
सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या जाता है आर्गन, आर्गन नोबल गैस है उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थी, उसके बाद फिर पोटासियम एंड देन कैल्शियम। डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम तक मैंने लिखा है, आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट जो एलिमेंट थे ये जो क्लासिफिकेशन थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिस वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक अप्लाई होती थी, तभी तो यहाँ पर लिखा है लाइटर एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे, क्योंकि एलिमेंट्स कैल्शियम से आगे नेक्स्ट जो एलिमेंट है उनको अगर इस तरीके से अरेंज करते हैं तो हम वहां पर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज प्रीवियस एट्थ एलिमेंट के बराबर नहीं थी। देखो यहाँ पर लिथियम से एट्थ कौन सा है, सोडियम, सोडियम के आगे एट्थ कौन सा है, पोटासियम, ऐसे ही बेरिलियम है, इससे नेक्स्ट एट्थ कौन सा है, मैग्नीशियम। तो इस तरीके से एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो दिस वाज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बट ये जो इसकी भी कुछ कमियां थी, कुछ जो है ड्रॉबैक्स थी, पहला पॉइंट तो ये था कि दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, लाइटर एलिमेंट कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, हायर एलिमेंट्स के केस में ये क्लासिफिकेशन ठीक नहीं थी। सेकंड पॉइंट, जिस न्यूलैंड ने ये कहा था कि ओनली 56 एलिमेंट, उस टाइम पर 56 एलिमेंट थे, तो न्यूलैंड ने कहा था 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इन फ्यूचर नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड, बट लेटर ऑन वेरियस न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो ये सेकंड लिमिटेशन बन जाती है। थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट में ये आता है कि एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में थे, बट क्लासिफिकेशन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक वेट जो है वो एक दूसरे के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। और तीसरे फोर्थ पॉइंट जो है, दो एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक मास के एटॉमिक वेट के उनको सेम प्लेस के ऊपर रखा गया था, तो इसीलिए दीज आर द फोर पॉइंट्स विच गिव द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।